एक हमारे मिस्त्री साहब भैया हैं, उनकी बीवी हैं, उनका ये फ़ोन है। तो उन्होंने बताया कि भैया मेरी बीवी जब फेसबुक चलाती है तो फेसबुक पर बहुत ज़्यादा ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल आती हैं, ये देख सकते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं लोग, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से मिस कॉल आती है, कभी वीडियो कॉल आती है, आपको मैं भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं, ये देख पा रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा कॉल आती हैं, ये आप देख सकते हैं कि कुछ कह ही नहीं सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो आपको भी इस तरीके से फेसबुक पर वीडियो या फिर ऑडियो कॉल बहुत ज़्यादा कोई करता है, परेशान कर रहा है, तो आप कैसे बंद कर सकते हैं? अगर आप ये 3 सेटिंग कर देंगे तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, ठीक है। ये जो मिस्त्री हैं, हमारा घर बनाया इन्होंने, तो बात हुई इनसे, तो उन्होंने कहा कि आप हमारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा जी हाँ कर सकते हैं, ये तो ईजी है। तो चलिए मैं बताता हूँ, उनको भी मैंने बता दिया था, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, तो फेसबुक पे मैंने क्लिक किया, अभी वो काम कर रहे हैं, उन्होंने फ़ोन हमें दे दिया है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि उन्हें आपके लिए भी वीडियो बना ली जाए। तो जैसे ही फेसबुक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है जो मैसेंजर का आइकन, इस पर क्लिक करना है, और आपको जो भी व्यक्ति ज़्यादा परेशान कर रहा है उसी पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आई बटन नज़र आएगा, आई बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप आई बटन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, इस तरीके से ऊपर की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखा है नोटिफिकेशन एंड साउंड, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वो कॉल से परेशान कर रहा है तो कॉल यहाँ बंद कर दीजिए, ये लास्ट वाला ऑप्शन चूज़ करके ओके कर दीजिए। अगर वो वहाँ पे मैसेज से ही परेशान कर रहा था, मैसेज भी यहाँ से आप इस तरीके से करके बंद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ठीक, इस तरीके से मैसेज रखना चाहते हैं ऑन तो आप मैसेज यहाँ से ऑन भी रख सकते हैं हमेशा के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने बंद कर दिया है, मैं यहाँ से बंद कर दिया है, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से इस बंदे की भावी कट गई, ठीक, यानी कि ये बंदा अब नहीं कर पाएगा, ठीक। यहाँ पे कोई भी करे, जैसे ये देखो यहाँ पे ये कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से इनको भी यहाँ से मैं भगा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं लोग। इस पर क्लिक करके और यहाँ पे इनकी भी कॉल बंद कर देता हूँ, मैसेज भी यहाँ से बंद ही कर देता हूँ, इस तरीके से। एक तो तरीका ये है, जो भी आपको परेशान करे उसमें आपको ऐसा करना है। अब दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है कि आपको क्या करना है, अपने फेसबुक पर ही फिर से क्लिक करना है, यहाँ पे मैसेंजर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं, यहाँ सेटिंग का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। सेटिंग का आइकन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन एंड साउंड का ऑप्शन मिलेगा, इस तरीके से, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस था आपको नजर आएंगे, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर ही आपको क्या करना है, ऐप इन ऐप साउंड ये आप बंद कर दीजिए, नोटिफिकेशन प्रीव्यू ये बंद कर दीजिए, ठीक। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं इस तरीके से दिख रही हैं, ठीक। चैट वगैरह है, यहाँ से चैट का है, न्यू मैसेज है, तो यहाँ से आप कुछ नहीं करना है। चैट का भी यहाँ से वाइब्रेशन वगैरह बंद वगैरह ये बंद कर दीजिए, नोटिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आप कर दीजिए, उसके बाद यहाँ से आप बैक जाएंगे, ये देखो मैं बैक आ गया हूँ। अब देखो ये व्यक्ति कॉल तो नहीं कर पाएगा, अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि इस व्यक्ति को मैं बंद बिल्कुल हटा दूँ, ब्लॉक कर दूँ, तो उसके लिए उसी पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे क्लिक करना है फिर से, और यहाँ पे जैसे इस व्यक्ति को हटाना ही है बिल्कुल, तो ब्लॉक पे क्लिक करना है, यहाँ से इसे ब्लॉक कर दीजिए, ये देख सकते हैं मैंने ब्लॉक कर दिया है। और ब्लॉक करने के बाद जैसे आप डिलीट भी करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, सीधा आप इसे हटा भी सकते हैं। तो आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर हटा दिया मैंने, ठीक। लास्ट में आपसे एक ट्रिक और शेयर करूँगा, मैंने बताया 3 मेथड, 2 बता दिए हैं। अपनी फेसबुक पे दबा के रखेंगे, यहाँ एक आई बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिखेगा नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बिल्कुल नीचे की तरफ आना है, मिस कॉल रिमाइंडर पे क्लिक करना है, यहाँ से इसे बंद कर दीजिए, ठीक। ये देखो मैंने बंद कर दिया। ये जो तरीका मैंने बताया है, अगर इस तरीके से करेंगे तो आपके पास कोई भी यहाँ पर परेशान नहीं कर सकता है आपको। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।